द ग्रेट खली एक ऐसा नाम है जिसने देश विदेशों के कई पहलवानों के छक्के छुड़ा दिए और पहलवानी के क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन किया। दिलीप सिंह राणा ने जन्म लेकर पैदा हुई द ग्रेट खली ने भारत में एक ऐसा मुकाम प्राप्त किया है जिससे कोई पहलवान नहीं कर पाया। साधारण गांव में जन्मे इस महावली खली ने प्रोफेशनल रेसलिंग में हिस्सा लेकर अपने कैरियर को एक नया मुकाम दिया। वर्तमान में द ग्रेट खली का नाम इतना चर्चित है कि उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आइए आपको उस महाबली खली का जीवन परिचय बताते हैं जिससे एक साधारण गांव में जन्मे लेकर देश का नाम रोशन किया। तो चलते हैं उनकी अर्ली लाइफ की तरफ। दिलीप सिंह राणा का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल के हरियाणा गांव के एक पंजाबी हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। दिलीप सिंह राणा के पिता का नाम ज्वाला रमा और मां का नाम तांडी देवी था। द ग्रेट सिंह राणा का परिवार एक बहुत गरीब परिवार था जिसमें उनके पिता को अपने 7 बच्चों का पेट पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अपने 7 भाई बहनों में दिलीप सिंह राणा बिल्कुल अलग था क्योंकि वह अपने भाई बहनों से सबसे मजबूत कदकाठी का था। कम उम्र में ही वो अपने को हीम का शरीर की वजह से हमेशा गांव वालों में जिज्ञासा का विषय बना रहता था। अब गरीब परिवार होने की वजह से दिलीप ज्यादा पढ़ नहीं पाया और अपने माता पिता की आर्थिक मदद करने के लिए उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। अब पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से उसको मजदूरी करने के अलावा कोई काम नहीं मिल सकता था। शुरुआत में वह अपने गाँव में मजदूरी किया करता था। उनको अधिकतर भारी भरकम पत्थरों को उठाने के काम दिया जाता था क्योंकि उसकी कद काठी की वजह से लोग उसको काम वही देना पसंद करते थे। इसके बाद जब उन्हें ज्यादा पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ी तो वो अपने गांव से शिमला के लिए रवाना हो गया और वहां पर वह मजदूरी करने लग गया। उसके गांव के लोग खली के बारे में बताते हैं कि खली की कद काठी इतनी विशालकाय थी कि उसने रास्ते से गुजरते लोग देख के दंग रह जाते थे। अपनी विशाल कद काठी की वजह से उनके पैरों की नाप के जूते भी बाजार में नहीं मिल पाते थे, इसलिए लोग बाजार में मोची से अपने नाम के जूते बनवाकर पहनते थे। खली को देखकर कई लोग उन्हें चिढ़ाते भी थे जिसे देखकर कभी कभी उनको खुद पर गुस्सा भी आता था, लेकिन वह अपने शरीर को लेकर कुछ नहीं कर सकते थे। द ग्रेट खली को मजदूरी में जो पैसा मिलता था वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा तो खुद खाने में ही चला जाता था। कई बार उनके घर पर भेजने के लिए 1 रुपया तक नहीं बचता था। ऐसा करते करते जब कई साल बीत गए जब उनकी किस्मत बदलने वाली थी, एक दिन शिमला में पंजाब के एक पुलिस अफसर ने खली को देखा जो उस समय शिमला के ही जगह सिक्योरिटी गार्ड लगा था, तो उसकी कद काठी देखकर दंग रह गए। उस पुलिस अफसर ने खली को पंजाब आकर पुलिस में भर्ती होने का प्रस्ताव पेश किया। 1993 में जब द ग्रेट खली को पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई, उस समय खली अपने भाई के साथ पंजाब आकर बस गए। इसके बाद खली के भाई को भी पंजाब पुलिस में नौकरी लग गई। अब जलंधर में ही उनकी कद काठी को देखते हुए स्थानीय जिम के रेसलर बनने के लिए तैयार किया गया। उन दिनों रेसलिंग अमेरिका में बहुत पॉपुलर था लेकिन भारत का कोई भी रेसलर वहां पर टिक नहीं पाया था, इसलिए उनको प्रोफेशनल रेसलर की ट्रेनिंग दी गई थी। अब रेसलर की ट्रेनिंग मिलने के बाद दिलीप सिंह राणा को सन 2000 में अमेरिका के ऑल प्रो रेसलिंग में भेजा गया। उन्हें शुरुआत में जेंट सिंह का नाम से रिंग में उतारा गया। जब जेंट सिंह सैन फ्रांसिस्को आया तब उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया। उसने 8 महीने वहां बिताया और उसके बाद वह वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन द्वारा न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भेजा गया। उसके साथ दूसरे भीमकाय पुरुष जेंट सिल्वा की टीम में रखा गया। उन दोनों ने मिलकर जापान के कई पहलवानों को धूल चटा दी। इसके बाद 2006 तक वो ऑल जापान प्रो रेसलिंग में शामिल रहे जब तक कि उनको WWE से बुलावा नहीं आ गया। 2 जनवरी 2006 को दिलीप सिंह में WWE में शामिल होने वाला भारत का पहला प्रोफेशनल रेसलर बन गया। दिलीप सिंह का पहला मुकाबला WWE में कई सालों से राज करने वाला अंडरटेकर से हुआ था, लेकिन इस मुकाबले में किसी की जीत नहीं हुई थी। इसके बाद से उनको द ग्रेट खली का नाम दे दिया गया। रिंग में उन्होंने पहली बार मात फुनगी को मात दी थी। इसके बाद खली ने एक से एक बढ़कर एक पहलवानों को धूल चटाई। 2007-08 में
वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब पाकर अपने नाम कर लिया। अपनी रेसलिंग के दम पर उन्होंने कई मुकाबले जीते और कई पुरस्कार अपने नाम कर लिए। उनकी इसी प्रसिद्धि के की वजह से वो माला माल हो गए और उन्होंने इनमें से अधिकतर पैसों से गांव की आर्थिक विकास में लगाया। अपनी लोकप्रियता के चलते उन्होंने कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी आए और उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन ज्यादा सफल नहीं रहे। फिल्मों में नहीं चल पाने का सबसे बड़ा कारण उनकी आवाज थी, क्योंकि एक तो वो हिंदी और अंग्रेजी सही से बोल नहीं पाते थे और दूसरी उनकी आवाज बहुत भारी थी, जिसके कारण उनकी हर फिल्म में उनकी आवाज को डब करना पड़ता था। खली की पत्नी का नाम हरमिंदर कौर है और हाल ही में उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया है। दी ग्रेट खली ने नंबर 2014 में रेसलिंग की दुनिया से संन्यास ले लिया और आगे के लिए प्लान बनाए कि इंडिया में ही WWE के लिए स्टार फाइटर्स की फौज तैयार करेंगे। इसके लिए उन्होंने इंडिया के में कई ब्रांच खोले।